जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ कोल्ड वेव जो है पूरे जम्मू कश्मीर में स्टैंड चल रहा है और मिनिमम जो है आज -6 तक भी पहुंच गया है, खासकर श्रीनगर और बाकी बेशतर इलाकों में, और -8.6 गुलमर्ग में। और इसी तरह सबसे सर्द तरीन रात जो है द्रास सब डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में -19.8 और -15 के आसपास जो है लेह डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया है खत्ते लद्दाख में। तो अभी जो ऑन गोइंग कोल्ड वेव जो चल रहा है ये फिलहाल लगभग 20 सेकेंड तक चलेगा और फर्दर डिप होने के चांसेस हैं। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि -6 -7.7 2018 में चला गया था श्रीनगर में, और बाकी जगहों में भी लगभग 2017-2018 से पहले भी जो है -6 -7 तक टच किया है दिसंबर में। और ऑल टाइम लोएस्ट जो है -12.8 लगभग 1934 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था, खासकर श्रीनगर और बाकी इलाकों में। और जम्मू में भी जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेव चल रहा है और कुछ एक जगहों पे दर्जा हरारत जो है बिल्कुल मिनिमम जो है माइनस में चला गया है। तो कमिंग डेज में लगभग 22 तारीख तक जो कोल्ड वेव है ये चलता रहेगा और 23 को जो है कि वेदर सिस्टम आ रहा है 22 नाइट से ही, और उसमें से जो है लोगों को थोड़ा सा राहत मिल सकता है ये जो कोल्ड वेव अभी चल रहा है। और दरमियाने दर्जे की बर्फ़बारी जो है के इम्कान हैं, खासकर मिडल और हाई रिच में और लोअर रिच में जो है लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं। और वेदर जो है ऑलमोस्ट क्लाउडी रहेगा 24 को और 25-26 के दरमियान फिर से एक WDA है, उसके कारण जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल जो है प्लेन्स में और मिडल और हाई रिच में जो है दरमियानी से लेकर दरमियानी दर्जे की बर्फ़बारी हो सकती है और कुछ एक जगहों पर हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर 23 को और 25 और 26 के दरमियान, जिसमें कौमी शाहरा और बाकी जो पहाड़ी इलाकों के जो शाहरा हैं वो जो है मुतासिर हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है मौसम धीरे धीरे खुल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 23 मॉर्निंग से लेकर लगभग 26 तारीख तक जो है मौसम जो है ख़राब रहेगा आने वाले दिनों में, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर।